नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। गोपालगंज के जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की गिरफ्तारी को लेकर के तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें ये कहा गया कि गिरफ्तारी नहीं हुई तो सभी विधायकों के साथ वो गोपालगंज पहुंच जाएंगे, और वहां पर जाने के साथ ही सरकार को जो है वो उनके चहेते विधायक को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये तेजस्वी यादव की मांग है। तो इसके बाद जो पप्पू पांडे हैं उन्होंने भी जवाब दिया है। तमाम चीज़ों के बीच में तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि गरीबों का नरसंहार करने वाला आदरणीय नीतीश कुमार जी का चहेता अपराधी विधायक प्रेस वार्ता कर कहता है कि विपक्ष की दिल्ली से लेकर पटना तक ईंट से ईंट बजा देगा। उसका मनोबल अभी भी इतना बढ़ा हुआ है कि वह विपक्ष को धमकी दे रहा है। हम भी देखते हैं हमें गोपालगंज जाने से कौन रोकता है। दरअसल तेजस्वी यादव ने साफ किया है, 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है गोपालगंज कांड को लेकर के, 4 हत्या हो चुकी है। इन तमाम चीजों को लेकर के अब सियासी तौर पर जो एक तरीके से जो बयानबाजी है, जो हमले हैं, वो तेज हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया कि अगर अगले 2 दिनों के भीतर पप्पू पांडे अरेस्ट नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ तमाम विधायकों के साथ तेजस्वी यादव जो हैं वो गोपालगंज कूच कर जाएंगे। क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। कर पाएगा तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है कदम उठाएं और जनता के प्रति जो है जन सुरक्षा का वातावरण बने और जन अधिकार की जहाँ तक बात आए हम लोग जो है उनके उम्मीदों पे खड़ा रहे। अब कैसे होगा, क्या होगा, पहले भाई पुलिस के अधिकारी आप लोग जो है बात तो कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए। नरसंहार हो रहा है, क्या करेंगे? नरसंहार हो रहा है तो अब तक जो है मुख्यमंत्री जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से हम जो है फंस गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब बात हो रही थी हम बोल रहे थे आप बाहर निकलिए, बिहार की स्थिति को देखिए। और अब जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, कोरोना से ज़्यादा तो भूखमरी और रोड एक्सीडेंट और जो आप कह सकते हैं क्रिमिनलों ने बिहार के लोगों को जो है मारने का काम किया, तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं। हम जो है अपना कदम जो है आप लोगों को कल बताएंगे, कल शाम तक का वक्त दिया है, लेकिन हमारा संघर्ष रहेगा कि हम गोपालगंज जरूर।